उत्तर प्रदेश खेल विभाग के तत्वावधान में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया, जो 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश के प्रतिष्ठित 12 टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन गुरुवार को मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने फीता काट कर, गुब्बारा छोड़कर व नारियल तोड़कर तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि ब्रह्मलीन अवैधनाथ की स्मृति में प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा प्रयास है। खेल के क्षेत्र में कबड्डी कुश्ती पारंपरिक खेल है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों के माध्यम से आगे आने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार है जो खेलों के माध्यम से प्रत्येक विभाग में 2% नौकरी का आरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि खेलों में प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार में संसाधन सुविधा की तरक्की की है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में केवल 5 गोल्ड मेडल मिले थे, लेकिन इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल में 21 गोल्ड मेडल मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश के कुल 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस अवसर पर खेल निदेशक आरपी सिंह, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही, धीरज सिंह, हरीश, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह, पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक क्रीडा अधिकारी चंद्र विजय सिंह, भारतीय कुश्ती टीम के कोच सुशील कुमार यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा, और इसी क्रम में हमारे बीच में नन्हे बच्चे ग्रुप डिस्प्ले कर रहे हैं, से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी शीघ्रता से, और आपके निर्देशिका जिला व्यायाम शिक्षिका रीना सिंह मैम से रिक्वेस्ट है कि मैम आप शीघ्रता से इस डिस्प्ले को चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड अपर मुख्य सचिव महोदय सर के सम्मुख प्रस्तुत कराएं। सर, ये नन्हे बच्चे बेसिक शिक्षा विभाग के सरदार नगर स्कूल से हैं। जो तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से स्थान पर खड़े होकर के हमारे मुख्य अतिथि महोदय खड़े होकर के स्वच्छंद आकाश में बैंड धुन के साथ गुब्बारा उड़ाया जा रहा है। करकर ध्वनि के साथ उद्घाटन सत्र का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलों से इस शुभारंभ कार्यक्रम के उपरांत हम मंच पर उपस्थित ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में जो कबड्डी का राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो रहा है, उसका उद्घाटन के अवसर पर मुझे बड़ी खुशी है मैं आज यहाँ उपस्थित हो पाया। और इस पूरे टूर्नामेंट के पीछे जो प्रेरणा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है, योगी आदित्यनाथ जी की, और श्री गोरखनाथ मठ जो है वो परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारे पारंपरिक शिक्षा है, पारंपरिक खेल है, उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान समाज में कर रहा है, तो प्रशंसनीय है। आज के युग में जहाँ हमारा युवा क्रिकेट और टेनिस जैसे ऐसे ग्लैमरस खेलों के पीछे भागता है, वहीं जो हमारे परंपरागत खेल हैं जिनसे ज्यादा संख्या में हमारे युवा जुड़े हुए हैं, उनको अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कुश्ती, कबड्डी, मलखंब, ये जो ऐसे हमारे परंपरागत खेल हैं जो कि गांव में हमारे युवा खेलते हैं, उसको अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे युवा हैं वो पूरी इस खेल व्यवस्था से दूर रहेंगे। तो उस क्रम में ये आज का जो टूर्नामेंट है ये बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उपयोगी है, और प्रशंसनीय है कि इस प्रकार के कार्यक्रम की, इस प्रकार के टूर्नामेंट की प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक कानून व्यवस्था की एक बेहतर स्थिति जो
प्रदेश में हुई है, ये सारा जो उपक्रम जितने हैं, चाहे वो सामाजिक हों, खेलों के हों, वो तभी ये सब कार्यक्रम हो पाते हैं जब आदमी को मानसिक रूप से महसूस होता है कि हाँ अब शांति। कानून व्यवस्था की एक बेहतर स्थिति ने ये स्थिति पैदा की है कि आज सब लोग अपने सामाजिक कार्यक्रम हों, खेल के कार्यक्रम हों, व्यावसायिक कार्यक्रम हों, बड़े खुशी से और बड़े सम्मिलित होकर कर रहे हैं। प्रदेश में विदेशों से भी लोग आकर यहाँ निवेश कर रहे हैं, औद्योगिक निवेश का एक नया माहौल बना है। तो ये पूरा जो एक इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं समाज में जो पैदा हुआ है, उसको साथ में रखते हुए पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने का जो एक कार्यक्रम है, बहुत ही प्रशंसनीय है। सारी घोषणा अपने मुखारविंद से करें। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे रेस्पेक्टेड मुख्य अतिथि महोदय, ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, चतुर्थ अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2022 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। एक मिनट और हमारे आज के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट श्री नवनीत सहगल सर, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश एवं रेस्पेक्टेड निदेशक खेल विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर आरती सिंह सर एवं आदरणीय महासचिव उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ श्री राजेश कुमार सिंह जी सर से रिक्वेस्ट है कि पूजन मंच पर हमारे अतिथि स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियों के साथ सर को स्वागत है इस अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरस्कार।
ये लीड कायम रखेगा और आप स्कोर है 19-20 लगातार 9 पॉइंट और जो स्टार्ट नहीं जा पाया इस जस्ट नंबर 5 बता रहा है बहुत ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में होने वाले इस कबड्डी टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ है। पारंपरिक खेलों को जो आप नई नए खेलों के साथ साथ पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे जो ग्रामीण युवा हैं उनके मनपसंद के जो खेल हैं जिनको वो खेलते हैं उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में एक बहुत अच्छा ये प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से ये टूर्नामेंट 4 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और ये कबड्डी लीग के अलावा ये अकेला टूर्नामेंट है जिसमें कि नगद धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। इस क्षेत्र में कबड्डी कुश्ती ये पारंपरिक खेल हैं और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाएं जो हमारी हैं इन खेलों से जुड़ी हुई उनको आगे आने का मौका मिले। उत्तर प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने कि खेलों के माध्यम से नौकरी जो है उसमें भी आरक्षण किया है। प्रत्येक विभाग में 2% नौकरियों का आरक्षण किया गया है और जो कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के जो मेडलिस्ट हैं उनको रिकॉर्ड नंबर में 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ रुपए की धनराशियां दी जाती हैं। खेलों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में है उसने बहुत संसाधनों की भी और अवस्थापना सुविधाओं की भी बहुत तरक्की की है और उसी से उसका नतीजा यह है कि पिछले राष्ट्रीय खेलों में हमें केवल 5 गोल्ड मेडल मिले थे। इस साल जो अभी राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें 21 गोल्ड मेडल मिले हैं तो ये लगभग गोल्ड मेडल में भी 4 गुना जो तरक्की है वो दिखाती है कि पिछले 6 सालों में खेलों में प्रतिभाओं को आगे लाने में और अवस्थापना सुविधाएं सृजित करने में बहुत काम हुआ है। इसमें काफ़ी पूरे देश से आए हैं, लगभग 12 टीमें हैं जिसमें प्रदेशों की भी टीमें हैं, ऑर्डिनेंस सेक्टरीज की भी टीम है, सर्विसेज की भी टीम है, आर्मी की भी टीम है, तो एक पूरा बड़ा अच्छा एक इसकी एक पूरे देश में एक पहचान भी बनी है इस टूर्नामेंट की और ज़्यादा से ज़्यादा टीमें इसमें भाग ले रही हैं। थैंक यू।